just met the commissioner of police also. And we have briefed him. बैरिस्टर असदुद्दीन साहब खास पर्सनली जो है ना आज हमारे कमिश्नर ऑफिस के पास कमिश्नर ऑफिस में हमारे साथ आए साहब, हमारे साथ आके कमिश्नर ऑफिस को लेकर गए ऊपर साहब के पास ले जाके हमारे को पूरा इंसाफ दिलाने की बात करे, साहब से बात करे, खुद असद साहब बात करे जो है ना इंसाफ दिलाने के लिए इस इंतज़ाम यहाँ पे स्कूल पे भी एक्शन लेने के लिए साहब ने पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कमिश्नर साहब से। और साहब जो है ना कोई पॉलिटिकल या कोई उसके लिए जो है ना ये काम नहीं कर रहे हैं साहब। साहब खुद अपने मुंह से पर्सनली बोले ये मेरी बच्ची है, ये मैं जो है ना पर्सनली मेरी बच्ची है, ये हम जो है ना इसके लिए इंशाल्लाह जो है ना जितना हो सके उतना इंसाफ दिलाए तक हम खामोश नहीं बैठेंगे, इंसाफ दिलाएंगे इंशाल्लाह जो है ना। साहब को हमारे पर्सनली बोले और साहब जो है ना वहाँ से जो है ना कलेक्टर ऑफिस गए, वहाँ पे भी कलेक्टर ऑफिस के सामने भी साहब ने जो है ना बात रखी, साहब ने कलेक्टर ऑफिस से भी जो है ना रिक्वेस्ट किया है, कलेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द जो है ना एक्शन लिया जाए इसके ऊपर, जो है ना हर चीज़ के ऊपर स्कूल इंतजामिया के ऊपर स्कूल के ऊपर एक्शन लिया जाए और जितने भी इसमें मुजरिम है उनको सज़ा दिलाया जाए, उनसे भी साहब ने रिक्वेस्ट किया है पर्सनली। और स्कूल इंतजामिया ने मैसेज वायरल किया है फैमिलीज़ को पूरे पेरेंट्स के 19 को स्कूल रीओपन है, बस असद साहब ने उसके ऊपर भी मजम्मत की है कि ये स्कूल नहीं खुलना चाहिए, ये बंद रहना चाहिए स्कूल जो है ना, उसके ऊपर भी असद साहब ने मजम्मत की है पर्सनली कलेक्टर साहब से। मैं असद साहब का खैर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इंशाल्लाह जो है, मैं मेरी तरफ से भी उनको बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से भी उनका अदबन जो है ना शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने आया और मेरा जो है ना साथ दिया और मुझको उम्मीद है उनसे और आगे भी उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जो है ना हर मोड़ पे जो है ना इंसाफ दिलाएंगे मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची बोल के नहीं जैसे जितने भी बच्चे हैं उन सबको जो है ना इंसाफ दिलाएंगे बोल के ऐसा सबने वादा किया इंशाल्लाह। शुक्रिया जी।